शेल के थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स भी अबव एक्सपेक्टेड थे, सिमिलर टू अटक पेट्रोलियम एंड पाकिस्तान स्टेट ऑयल. उसमें प्राइमरली देर वर टू रीजंस. फर्स्टली लेट्स उसमें वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ हालांकि शेल में नहीं आई थी थर्ड क्वार्टर के अंदर. इट्स वॉल्यूम्स ग्रो ओनली बाय 1% ऑन अ ईयरली बेसिस. उसमें प्राइमरली जो मोटर गैसोलीन वॉल्यूम्स ग्रो बाय अराउंड 6% वाइल एच एस डी सेल्स वर डाउन बाय अराउंड 3%. फर्नेस ऑयल ऑल दो उसमें अच्छी ग्रोथ थी ऑन इन परसेंटेज टर्म्स, बट चूंकि एफ ओ में उसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा नहीं है तो इट डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट मच इन द ओवरऑल वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ. तो ओवरऑल 1% से इसके वॉल्यूम्स ग्रो किए, बट जी पी लेवल के ऊपर जो ग्रोथ प्राइमरीली आई थी अराउंड 64%, दैट वॉज मेनली बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री गेंस. शेल ने तकरीबन मेरे हिसाब से 500 से 600 मिलियन के इन्वेंट्री गेंस रिकॉर्ड किए होंगे थर्ड क्वार्टर में, कंपेयर टू लॉस इन सेम क्वार्टर लास्ट ईयर. तो शेल का जीपी थर्ड क्वार्टर सीवाई 15 में 2.2 बिलियन का आया था, इस क्वार्टर में 3.6 बिलियन का आया था. तो ये तकरीबन 1.5 बिलियन रुपए का इंक्रीमेंटल जीपी शेल ने रिकॉर्ड किया, मेनली बिकॉज ऑफ हायर इन्वेंट्री गेंस इन दिस क्वार्टर. बाकी और शेल की अर्निंग्स जो अच्छी आई थी, दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ लो इफेक्टिव टैक्स रेट. शेल का पीबीटी वाज अराउंड 1.3 बिलियन, जबकि टैक्स एक्सपेंस जो शेल ने बुक किया था इस क्वार्टर में, दैट वाज मेयरली 100 मिलियन रुपीज़, लेस देन 10% इफेक्टिव टैक्स रेट. तो जिसकी वजह से शेल की अर्निंग्स इस क्वार्टर में 11.30 रुपये की अर्निंग्स आई थी, कंपेयर टू लॉस ऑफ अराउंड 3.26 रुपीज़ इन सेम क्वार्टर लास्ट ईयर. 9 मंथ की अर्निंग्स में शेल में बहुत इंप्रेसिव ग्रोथ है, तकरीबन 32 रुपये की अर्निंग्स शेल ने रिपोर्ट की हैं अभी तक, कंपेयर टू ओनली 1.73 अर्निंग्स इन सेम पीरियड लास्ट ईयर. और उसमें जो टर्न अराउंड आया प्रॉफिटेबिलिटी में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ जो ऑयल प्राइसेस में डिक्लाइन आया, उसकी वजह से रिटेल प्रोडक्ट प्राइसेस कम है, और उसकी वजह से पीबीटी मार्जिन शेल का इतना अच्छा है कि अब शेल के ऊपर टर्नओवर टैक्स लग नहीं रहा. प्रीवियसली व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज के उसका पीबीटी जो भी आता था उसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स रेट नहीं लगता था, क्योंकि उसका पीबीटी कम होता था. इट अट्रैक्टेड हायर टैक्स रेट ऑफ 0.5% ऑन इट्स टर्नओवर, जिसकी वजह से इसका इफेक्टिव टैक्स रेट बहुत ज़्यादा होता था, विच यूज़ टू बी इन द रेंज ऑफ 40-50% प्रीवियसली. तो इस दफ़ा चूंकि टैक्स रेट शेल का नॉर्मलाइज हो चुका है, क्योंकि उसके पीबीटी मार्जिन अच्छे हैं, तो इंस्टेड ऑफ अट्रैक्टिंग टर्नओवर टैक्स, शेल के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स रेट लग रहा है इस वक्त. तो जिसकी वजह से इसका टैक्स एक्सपेंस कम होने की वजह से बेसिकली अर्निंग्स में टर्न अराउंड आया शेल की, विच वॉज नॉट एन एक्सपेक्टेड. हम शुरू से भी ये बात कर रहे थे कि क्योंकि अब पेट्रोल प्रोडक्ट प्राइसेस या डीजल प्रोडक्ट प्राइसेस इतनी कम हो चुकी हैं कि इसके पीबीटी मार्जिन इंप्रूव करेंगे और उसकी वजह से अब टर्नओवर टैक्स शेल के ऊपर नहीं लगेगा. तो एज लॉन्ग एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस कंटिन्यू टू रिमेन डिप्रेस्ड, 70-80 रुपये तक रहती हैं, तो शेल विल बी एबल टू एक्चुअली इवेड टर्नओवर टैक्स और इसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स रेट लगेगा, जिसकी वजह से इसकी अर्निंग्स अच्छी रहेंगी. तो गोइंग फॉरवर्ड फोर्थ क्वार्टर ऑफ शेल वुड ऑल्सो बी इन सिमिलर लाइन, तकरीबन 8-10 रुपये तक की अर्निंग्स शेल की एक्सपेक्टेड है, डिपेंडिंग ऑन के कितना इन्वेंट्री गेन अगले क्वार्टर में भी आता है. नॉर्मलाइज अर्निंग्स शेल की वैसे 7-8 रुपये तक की क्वार्टरली अर्निंग्स होती हैं. तो शेल का साल तकरीबन 40 रुपये प्लस की अर्निंग्स के ऊपर क्लोज होगा, और ट्रेडिंग एट फॉरवर्ड मल्टीपल ऑफ अराउंड 11 टाइम्स, आई थिंक शेल इज़ ऑल्सो फेयरली प्राइस. बट उसमें भी ये एलिमेंट है कि जस्ट लाइक अटक पेट्रोलियम के, उसमें भी डिविडेंड कंपनी अच्छा देती है. हाफ ईयर डिविडेंड भी आया था शेल में, और फुल ईयर का डिविडेंड भी शेल का अच्छा आएगा. तो पे आउट वुड रिमेन अराउंड 60-65% इन दिस ईयर, तो उसमें पे आउट अच्छा रहेगा. आगे वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ अगर शेल में आगे अगर रहेगी तो अर्निंग्स भी अच्छी उसमें ग्रोथ रहेगी. और एक शेल में और जो थोड़ा सा ट्रिगर है, दैट इज़ डीरेगुलेशन ऑफ हायर क्वालिटी ऑफ पेट्रोल. जो 95 रॉन का पेट्रोल जो है और जो 97 रॉन का जो मोटर गैसोलीन है, जिसको हाई ऑक्टेन बोलते हैं हम, गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू डीरेगुलेट प्राइसेस ऑफ दोज टू फ्यूल्स. तो उसमें ऑल द मैकेनिज्म अभी क्लियर नहीं है कि क्या होगा, किस लेवल की डीरेगुलेशन है, कंप्लीट डीरेगुलेशन है, पार्शियल डीरेगुलेशन है. बट अगर पार्शियल डीरेगुलेशन की जाती है विद सम रिलैक्सेशन ऑन द मार्जिन एज वेल, तो वहाँ से शेल की अच्छी डिसेंट ग्रोथ आ सकती है वहाँ से भी, क्योंकि शेल हैज़ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन हाई ऑक्टेन फ्यूल. अराउंड 30-35% ऑफ हाई ऑक्टेन दैट इज़ बींग सोल्ड इन पाकिस्तान इज़ हैंडल्ड बाई शेल. तो अगर 95-97 रॉन पाकिस्तान में
डीरेगुलेट किया जाता है, तो नॉट ओनली दैट इट्स अवेलेबिलिटी विल इम्प्रूव गोइंग फॉरवर्ड, इसके डिमांड में भी मुझे लगता है कि अच्छी ग्रोथ आएगी और शेल को इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि शेल ऑलरेडी काफ़ी इस मार्केट में एग्रेसिवली प्रेजेंट है और गोइंग फॉरवर्ड भी आई थिंक शेल विल एग्रेसिवली परसू दिस मार्केट एंड मैनेजमेंट भी काफ़ी इसको देख के होपफुल है कि गोइंग फॉरवर्ड इसकी तरफ से अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा कंपनी के लिए। शेल, आई थिंक शेल की ब्रांड इतना अच्छा है उसका और उसकी जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं वो भी अच्छी हैं, आई थिंक शेल को इतना मसला नहीं होना चाहिए। ऑल दो शेल में उस तरह से ग्रोथ आ नहीं रही जिस तरह से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जिस तरह से छोटी OMCs ग्रो कर रही हैं, क्योंकि शेल का फोकस प्राइमरली अपने रिटेल आउटलेट्स के ऊपर एक्सपेंशन के ऊपर ज़्यादा नहीं है। उनका फोकस इस वक्त ज़्यादा है नॉन रिटेल इनकम के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको यूड नो के अपने आउटलेट्स के ऊपर वो शॉप इन शॉप के कॉन्सेप्ट के साथ मुख्तलिफ ईटरीज खोल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उन्होंने अल शहीर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उनके आउटलेट्स के ऊपर, अल शहीर का मीट अवेलेबल होगा, पाई इन द स्काई के उनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे और जूसेस ऑफ ग्रीनो आर अवेलेबल ऑन सर्टेन आउटलेट्स। इस तरह जिस तरह मैकडोनल्ड के साथ उन्होंने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि उनके सर्टेन आउटलेट्स के ऊपर मैकडोनल्ड्स की प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी थी, तो शेल का मॉडल थोड़ा सा इस वक्त डिफरेंट हो चुका है। फ्यूल इनकम से थोड़ा सा हटकर नॉन फ्यूल इनकम की तरफ उनका फोकस ज़्यादा है, बट ऑब्वियसली फ्यूल रिमेन्स द ब्रेड एंड बटर ऑफ द कंपनी। लेकिन मुझे शेल को इतना मैं देख नहीं रहा कि उसको इतना इशू होगा बिकॉज ऑफ दीज न्यू एंट्रेंट्स। पाकिस्तान में चूंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस चूंकि लिंक्ड होती हैं इंटरनेशनल प्राइसेस से, और इंटरनेशनल प्राइसेस भी क्रूड ऑयल का ही एक फंक्शन होता है, अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो इंटरनेशनली जो प्रोडक्ट प्राइसेस हैं उसमें भी एक राइजिंग ट्रेंड आपको मिलेगा और उसकी वजह से पाकिस्तान में भी जो पेट्रोल डीजल या इवन फर्निस ऑयल प्राइसेस हैं वो भी बढ़ेंगी, तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तानी OMCs के ऊपर वो यूँ होता है कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर चूंकि मार्जिन तो फिक्स्ड हैं तो इसलिए उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, बट इन्वेंट्री गेन्स जो कंपनी रिकॉर्ड करती है बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्ट प्राइसेस, आपने अगर कम रेट के ऊपर प्रोक्योरमेंट की हुई थी और अगले महीने में प्राइसेस बढ़ गई क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स बढ़ गए थे, तो आपको वहाँ से इन्वेंट्री गेन आ जाता है रिटेल फ्यूल्स के ऊपर। फर्निस ऑयल का थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि फर्निस ऑयल के मार्जिन्स एब्सोल्यूट अमाउंट में फिक्स नहीं होते, दे आर अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ फर्निस ऑयल। अगर प्राइस लेट्स से FO की प्राइस 35,000 है तो मार्जिन कुछ और होंगे उसके ऊपर, अगर प्राइसेस बढ़ के 45,000 रुपये पर टन हो जाती हैं तो उसके ऊपर मार्जिन भी इम्प्रूव हो जाते हैं, तो बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन मार्जिन इन फर्निस ऑयल बिकॉज ऑफ राइजिंग ट्रेंड इन प्राइसेस, तो वहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी फिर OMCs की बढ़ जाती है, तो इन्वेंट्री गेन्स आ जाएंगे आपको और FO के मार्जिन इंप्रूवमेंट की वजह से OMCs टेंड टू बेनिफिट इन द राइजिंग ऑयल प्राइस सिनारियो। बट PSO का थोड़ा सा एक ट्रिकी चीज़ ये हो जाती है कि प्रॉफिटेबिलिटी तो उसकी बढ़ जाएगी बट उसका लिक्विडिटी का मसला खड़ा हो सकता है, क्योंकि जैसे प्राइसेस बढ़ती हैं तो सर्कुलर डेट भी फिर उसकी पेस भी बढ़ना शुरू हो जाती है और फिर PSO की जो रिसीवेबल्स हैं वो भी उसी हिसाब से बढ़ते हैं, तो वो एक चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है PSO के लिए फॉर लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू, बट अर्निंग्स डेफिनेटली सब OMCs की इम्प्रूव होती हैं विद राइजिंग ऑयल प्राइसेस।